मुंबई में टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर चाकू से 3 बार, योगेश नाम के प्रोड्यूसर पर आरोप। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर एनसीबी के छापे, मिली ड्रग्स की कंजम्पशन क्वालिटी, कल पूछताछ के लिए एनसीबी ने भेजा समन। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हुए कोरोना शिकार, मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती। कल ही आठवले ने अपनी पार्टी आरपीआई में किया था शामिल एक्ट्रेस पायल घोष को, पायल भी करवाएंगे अपना टेस्ट। कोरोना से पीड़ित पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी गई प्लाज्मा थेरेपी, मॉडरेट है फडणवीस के सिम्टम। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 5,363 केस आए, पिछले 24 घंटों में 115 लोगों ने तोड़ा दम। बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती की अपील, सुशांत सिंह राजपूत की दो बहनों की याचिका को किया गया खारिज। रिया ने सुशांत की बहनों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने के मामले में दर्ज कराई थी एफआईआर, सुशांत की बहनों ने एफआईआर रद्द करने के लिए डाली याचिका। दशहरा रैली के लिए बीजेपी को और उद्धव ठाकरे पर किए जा रहे हमले पर बोली एनसीबी, उद्धव ने दिखाया बीजेपी को आईना। नवाब मलिक बोले, महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां ने बरकरार रखनी अपनी विचारधारा, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चला रहे हैं सरकार। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, मुंबई में 100 रुपए किलो प्याज के भाव, आलू 60 रुपए किलो। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लखनी शहर में दिवाली के लिए तैयार किए जा रहे पटाखों में लगी आग, लाखों का नुकसान। यवतमाल जिले के अम्बोड़ा में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घरवाले कर रहे थे इस प्यार का विरोध। चंद्रपुर जिले से पकड़ा गया एक बाघ, 1 साल में 8 ग्रामीणों को बिना चुका था अपना निवाला। बैंक में सेंध लगाने वाली चोरों की टोली को जालना पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में बुलंद है अपराधियों के हौसले, लाखों रुपए के कीमती सामान की चोरी। 376 अंकों की बढ़ोत के साथ 40,522 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 121 पॉइंट्स की बढ़ोतरी। नवरात्र में टू व्हीलर्स की बिक्री औंधे मुंह लुढ़की, एंट्री लेवल बाइक्स की बिक्री में 30% की गिरावट। टैक्स मामले में जीत पर वोडाफोन के खिलाफ अदालत जा सकती है सरकार, 20,000 करोड़ का विवाद। पीएनबी को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर से हुई खारिज। 7वीं बार ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को नहीं दी बेल। जीएसटी के कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर, आप एसएमएस से भी आप भर सकेंगे एनआईएल रिटर्न। फिल्म जब वी मेट को रिलीज हुए 13 साल, करीना कपूर ने शेयर की शूटिंग के वक्त की तस्वीर। अर्जुन कपूर की अगली फिल्म के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस पर बनने की चर्चा, शाहरुख खान की रेड चिलीज कर रही है प्रोड्यूस। राजकुमार राव ने जानवी कपूर के साथ फिल्म रूही अफसाना की शूटिंग पूरी की। सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म में डेब्यू करने वाली संजना सांथी को मिली आदित्य राय, कपूर के साथ फिल्म दिल बेचारा में किया था काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर छापे में आज एनसीबी को करप्शन क्वांटिटी में ड्रग्स मिले। कल एनसीबी ने करिश्मा को पूछताछ के लिए समन भेजा था। 2017 का एक चैट वायरल होने के बाद पिछले महीने दीपिका और करिश्मा दोनों से एनसीबी ने घंटों पूछताछ की थी। अब एनसीबी करिश्मा से कल फिर से पूछताछ करना चाहती है। जानकारी के अनुसार करिश्मा अपने घर पर नहीं मिली, इसके बाद एनसीबी ने घर पर समन चिपका दिया। कल के लिए समन किया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई नई अरेस्ट की गई आज? सर, क्या करिश्मा प्रिंसिपल है, मिल पाएंगे? नहीं नहीं, आज बुलाया था आप लोगों ने। कल के लिए समन किया। ठीक है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित एकतरफा प्यार की वजह से एक लड़की की जान चली गई। मुंबई में भी कुछ ऐसी ही वारदात हुई। एक अभिनेत्री ने शादी के लिए हां नहीं की तो उसके पीछे पड़े शख्स ने उस पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पेशे से प्रोड्यूसर है। मुंबई में फिल्म और सीरियल में अपना करियर बनाने आई मालवी मल्होत्रा ने बहुत सारे सपने देखे थे। मुंबई में उन्हें नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पर महिलाओं के लिए देश में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मुंबई में उन पर हमला होगा, ये तो बिल्कुल उनकी कल्पना से परे था। बीती रात खुद को मालवी के प्रेम में गिरफ्तार बताने वाले एक शख्स ने उन पर चाकुओं से हमला किया। मालवी इस समय कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं। सात बंगला जो रेलवे स्टेशन से वहां से अमरनाथ बद्रीनाथ टावर है, फेमस टावर है, तो वो रास्ते पे रात को सब वैसे चालू ही रहता है, लोग बहुत वॉक करते हैं, तो वहाँ वॉक करते का पीछे से वो आया गाड़ी लेके और बोला कि मालवी 2 मिनट मेरे से बात कर लो, गाड़ी में बैठ जाए। तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं गाड़ी में बैठूंगी नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी, आपसे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा
चलते चलते बात किया, फिर वो निकल गई तो उसने गाड़ी पार करके पीछे से आया और बोला मालवी रुको अभी मैं भी मर जाऊं तुझे भी मार दूंगा, ऐसा करके डायरेक्ट चक्कू उसने पेट में घुसा दिया। तो जैसे चक्कू घुसा दिया तो ऐसे कोई भी अनजान डायरेक्ट अटैक हुआ तो ऐसे हो गई, तो उसने ऐसे झुक गई तो उसने चेहरे पे वार करने गए तो चेहरे उसने दोनों आर्म्स लेफ्ट एंड राइट ऐसा फेस पे कर दिया, तो फेस को कवर अप किया तो दोनों आर्म से 6-6 इंच लंबा दोनों साइड यहाँ और दोनों बहुत इंजरी हुई है चक्कू लगा, और पेट में भी डॉक्टर ने बताया कि 1 से 1.5 इंच तक का अंदर डीपली उसने चक्कू मार दिया, वो ऐसा झुकी नहीं होगी तो पूरा अंदर ही घुसा देता। मालवी मल्होत्रा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि 2019 में योगेश कुमार से फेसबुक के जरिए मेरी दोस्ती हुई। योगेश ने अपने आप को प्रोड्यूसर बताया था। मैं 3-4 बार योगेश से कैफे में मिली थी। योगेश कुमार ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया मगर मैंने मना कर दिया। इसके बाद भी योगेश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। भले एक बार बात कर लो, उसने रास्ता भी रोका। तो माली ने तब बोला कि अभी दूसरी बार ऐसा होगा तो मैं आपको पुलिस को कंप्लेन भी कर सकती हूँ, तब प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, मुझे ये सब नहीं पसंद है। और माली ने तब उसको ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वो घर पे नीचे खड़ा रहता था। फिर उसने वापस मैसेंजर पे फोन करने लगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेज में मैसेज करने लगा। इन बिटवीन माली सत्ता एकदम कंटिन्यू बिजी थी, गोवा भी एक वापिस शूट करने गए थे म्यूजिक वीडियो, वहां से आके दूसरा शूट किया। फिर वो दुबई एक कैलेंडर शूट करने गई थी, तो दुबई से अभी संडे ही आई थी, तो वहाँ भी वो बोल रही थी मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज बहुत कर रहा था, तो जैसे आई तो वो लड़का उसको फॉलो ही कर रहा था। पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 374 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपी पुलिस की पकड़ से अब तक फरार है। आप बाहर से इंसान काम करने आ रहा है बॉम्बे में, करेक्ट, आने के बाद में आप उसके ऊपर में ऐसे मतलब आप या मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज करो वरना मैं आपको मार दूंगा, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। ये कौन सा कहाँ का ये नियम है सर? दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। एंड मुंबई, दिस इज नॉट यूपी एंड बिहार टाइप, और दिस इज नॉट दैट कि वहाँ पे गाजियाबाद में जो हम सुनते हैं। हम मुझे तो बॉम्बे में मैं तो आज तक दो बजे तीन बजे या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है वो 2-3 बजे, लड़कियां भी है, एक्ट्रेस है, एवरीबॉडी इज इन शूटिंग, तो आते हैं 2-3 बजे। मतलब आप 2 बजे तो छोड़ो, रात को 8:30 बजे यू पीपल कैन, I'm so sorry sir, but this is so frustrating. And trust me, and the major point drawback is that uska mobile on hua abhi, and I tried to reach that guy, and abhi tak usko pakda nahi ja raha, and I know people are trying, but still. कल रात को वर्सोवा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक महिले के ऊपर एक आदमी ने चाकू से हमला किया है। इस मामले में पुलिस स्टेशन में सेक्शन 307, 354 ड और इतर कलम के अंदर गुना दाखिल है और इस प्रकरण में आगे की तपास चालू। मालवी मल्होत्रा खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पुणे से समीर शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में प्याज के साथ साथ दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। प्याज 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, तो अब आलू के दाम भी 50-60 रुपए प्रति किलो से आगे निकल गए हैं। सब्जी की खरीदारी में अब आम लोगों को ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम ऐसे भागे हैं कि सोचना पड़ता है कैसे अपने बजट में रसोई में खाना बने। तकलीफ तो बहुत होती है, महंगाई तो बहुत हो गई है। अभी 50 रुपए का ये आलू दो दिन में ही नहीं चलता है, कैसे करेंगे? तकलीफ तो सबको ही है। प्याज तो इतना हो गया, अभी 120-100 रुपया ये रेट है। अभी बेटी लोग कल्याण में है, सब फंस गए, गाड़ी चालू ने एक बेटी 500 रुपए दे दी, थोड़ा बहुत सामान दे, मैं रास्ते में बाहर निकल नहीं सकती, अभी जबरदस्ती कैसे निकले। किस तरीके से जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, जो कांदा और बटाटा, और कांदा खास तौर पे एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में हर सब्जी में इस्तेमाल होती है, कोई भी भाजी आप बनाए तो कांदे का इस्तेमाल होता ही है, और उसके जो रेट्स है वो 100 रुपया प्रति किलो से ज्यादा हो गए। कांदा और बटाटे का अभी क्या रेट है? कांदे का रेट अभी 80 से लेके 100 रुपया चल रहा है,
बहुत ज्यादा है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूँ तो एक महीने के पहले कितना था और अब कितना? एक महीने पहले कांदा 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के बिक रहा था और आज की तारीख में सडनली 15-20 दिन से 100 रुपए तक के आ गया है। मंडी में प्याज की खेप कम आ रही है। अक्टूबर महीने में हुई बारिश से प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पुरानी खेप लगभग खत्म हो चुकी है और नई आ नहीं रही। बीच में जो एसेंशियल सर्विस में से कांदे को हटा दिया, जिसके वजह से स्टॉकिस्ट वो कांदे की जो स्टॉक थे वो 10 गुना कर दी और ब्लैक मार्केटिंग कांदे की शुरू हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने की वजह से पब्लिक मार्केट में कांदा बहुत रेयरली कम आ रहा है। जहां 200 गाड़ी कांदा आता था वाशी मार्केट एपीएमसी में, वहां आज 50 गाड़ी 60 गाड़ी ऐसा माल आ रहा है, तो जिसके वजह से कांदे का रेट और हाइक हो रहा है। मुंबई के आज एक अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो मुंबई में सिर्फ मुंबई के लिए 200 गाड़ी कांदा कम पड़ता था और आज की तारीख में 60 गाड़ी कांदा आता है, 50 गाड़ी कांदा आता है, तो कहां से उसका रेट कम रहेगा। पिछले महीने तक जिन सब्जियों के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो थे वो अब 100-100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रहे हैं। एक किलो प्याज जो पिछले महीने 20 से 30 रुपए में आ जाता था उसके दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए हैं। आलू जो कि पिछले महीने तक 25 रुपए प्रति किलो था उसके दाम अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। एक किलो गोभी के लिए पिछले महीने 60 रुपए तक खर्च करने होते थे, उसके लिए अब 120 रुपए लग रहे हैं। भिंडी के दाम पिछले महीने 40 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे जो कि अब 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। एक महीने पहले तक एक किलो बैंगन खरीदने में 30 रुपए का खर्चा आता था जो कि अब 100 रुपए हो गया है। गाजर की बात करें तो पिछले महीने एक किलो गाजर 60 रुपए में मिल रही थी और इस महीने 100 रुपए के पार पहुंच गई है। यही हाल मटर का है। जो मटर पिछले महीने 80 रुपए प्रति किलो थी वो अब 160 रुपए प्रति किलो हो गई है। जानकारों की माने तो सब्जियों के दाम जल्द काबू में आते नहीं दिख रहे जब तक कि फ्रेश स्टॉक मार्केट में ना आ जाए। मुंबई ही नहीं दूसरे शहरों में भी सब्जियां आसमान से बात कर रही हैं। गए 15 साल में हमने आज तक देखा नहीं कि भाजी के इतने रेट बढ़े हुए और अभी के जो सब्जियों के रेट है वो बहुत आसमान को छू रहे। ये बारिश से पहले जो कांदे के रेट थे वो लगभग 25 या 30 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे थे। अचानक जो इतना भारी भरकम बारिश अभी जो हुआ उसके वजह से कांदे के रेट भी 80 रुपए 90 रुपए किलो तक जाके छू गए। खेती में ज्यादा बारिश के वास्ते वो ज्यादा सड़ रहा है, इसलिए किसान का माल पहला ज्यादा निकलता था, अभी बारिश के वास्ते कम आ रहा है। जो खेती में 200 गोने निकलता है वो खेती में 50-100 गोने निकल रहा है, इसलिए खेती का माल कम प्रमाण में मार्केट से आ रहा है, इसलिए थोड़ा अभी 50 से 80 तक रेट है और ज्यादा एक नंबर कांदा का प्याज का 100 तक है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी शिवसेना पर आए दिन आरोप लगाती है कि उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर लिया। शिवसेना इस आरोप से इनकार करती आई है। संजय राउत ने आज तक से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम है। एक जमाने में शिवसेना यूनिफॉर्म सिविल कोड की समर्थक थी, क्या आरएसएस की आज भी शिवसेना समान नागरिक कायदा या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आएगी? क्यों नहीं आएगी, आएगी ना। हमने कभी हमारा एजेंडा छुपाया नहीं ना। हम कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार में है इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारा जो विचार थी हमारी विचारधारा थी हमारी जो भूमिका रही उसमें कुछ बदलाव किया है। समान नागरिक कानून कॉमन सिविल कोड ये देश की जरूरत है। हमने 370 का भी समर्थन किया ना, जब निकाला गया तो हमने खुलकर समर्थन किया 370 का, आपको मालूम होगा। उसमें छुपाने की बात क्या है, देश में कानून एक देश एक कानून ये चाहिए। अभी देखिए कि 370 वहां से निकाल देने के बाद ये बताया गया था कश्मीर में अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब वहां तिरंगा लहराएगा शान से। लेकिन 4 दिन पहले श्रीनगर के लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता तिरंगा फहराने के लिए वहां गए, उनको रोका गया, पुलिस ने उनको बंदी बनाया। क्यों? अगर हमारे राज में हिंदुत्व के राज में मोदी और शाहजी के राज में
लाल चौक में आप तिरंगा नहीं फहरा सकता, तो 370 हटा के आपने क्या किया? ये भी हिंदुत्व है, सुन लीजिए, मैं मानता हूं ये भी हिंदुत्व है। तो क्या तिरंगा को संरक्षण देना हिंदुत्व नहीं है? एक एक्ट्रेस को आप सिक्योरिटी देते हो जो मुंबई को पाकिस्तान बोलती है, उनको सुरक्षा है, लेकिन जो हमारा कश्मीर है जिसमें आप तिरंगा नहीं फहरा सकते, उस तिरंगा को संरक्षण नहीं है। वो तिरंगा जो है वो वहां फहराने के लिए लोग जा रहे थे चार, उनको संरक्षण नहीं है, लेकिन मुंबई मुंबई को पाकिस्तान कहने वालों को संरक्षण आप देते हो, ये भी हिंदुत्व का ही मुद्दा है। शुक्रिया। तो संजय राउत अपने हिंदुत्व के, शिवसेना के इस हिंदुत्व को जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, उनका कहना है कि कश्मीर में तिरंगा फहराना भी एक तरह से हिंदुत्व है, और दूसरी तरफ शिवसेना ने अपनी जो मूल आइडियोलॉजी है उसे आज तक नहीं छोड़ा, और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, शिवसेना के एजेंडे में आज भी वो विषय है। कैमरामैन राजू रामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।